नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो संगीता किचनमा र आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई लन्चमा चाहिँ के बनाउँछौं आज हामी लन्चमा के खान्छौं हो त्यसको चाहिँ अब रेसिपी भन्ने रेसिपी चाहिँ हामी तपाईहरुलाई देखाउँदै छौं है गुड मर्निंग दैबिक गुड मर्निंग हाई भन्देउ हाई भन्छ खुसी त हाई भनेको हाय एवरीवन भन हाई भन्छ चाहिँ म नयाँ एप्रोन लगाएर गर्नु पर्यो अस्ति हामीले त यसको अनबक्सिङ त गरेको छु हैन मैले लगाइदिए फर्स्टमा चाहिँ दिस इज आवर न्यू एप्रोन ये हमारे लिए गिफ्ट है थैंक यू वेरी मच है गिफ्ट को लागि भाई आई आराम ब्यूटी को बाट जानु त ए हां बहुत अच्छा लग रहा है हेयो लुकिंग ब्यूटीफुल पन्ज चाहिँ हो सानी यो पनि छ छन त यहाँ झुन्न आउँदै यस्तो गरे झुन्न आउँ पनि यहाँ काट्ने छैन सन्त है ए चाहिँ के पनि छ हो अब आज के बनाउँछु भन्दाखै चाहिँ भे सब्जीमा चाहिँ हामी आज यो सिमी यो बीन्स हो यो एकदम फ्रेश हे सिमी ये हम बजार से नहीं लेके आई ये घर का ही है घर का ही इधर में फला हुआ है यो चाहिँ म आज सब्जी मा चाहिँ सिमी बनाउँछु र आज म दाल पकाउँदिन हो दाल को बदली मा चाहिँ तपाईलाई के बनाउँछु भने अस्ति मैले भनेको थिए कल भिनेमा यो बेसन को रस बेसन को झोल बनाएर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के रेडी गरेको छु भने चाहिँ यो बेसन भइगयो यो हैन यसलाई भुट्नु पर्छ बेसनलाई त्यहाँबाट यो प्याज टमाटर त्यहाँबाट अदरक र लसुनलाई यहाँ मैले पेस्ट गरिराखेको छु हो त्यहाँबाट जीरा ओके हाल्नु पर्छ यहाँ बेसनको भुट्नुको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछु यस्तो गरे हैन अब यो भुट्नुको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ अलिकति चाहिँ घिउ हाले त्यसै बेसन चाहिँ खाली भुट्नु हुँदैन नि त बेसन होस् या आटा होस् त्यसै खाली भुट्नु हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ म अलिकति तपाईहरुले तो फर्स्ट ये बेसन का झोल बनाने के लिए ये बेसन को इधर में भूनना पड़ेगा और भूनने के लिए फर्स्ट हम इधर डालेंगे घी देखिए क्या पसे नानी कहाँ हाँ थोड़ा सा घी डाल दिया बेसन भूनने के लिए थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा इसमें हम डालेंगे ये बेसन बेसन को भुनना पड़ेगा अच्छी तरह से इसको म अब रामरी यसलाई रात हुन्जेल गरी भुट्नु पर्छ बेसनलाई चाहिँ हैन अच्छे से भुनेंगे तो देखिए बेसन हो चुका है ये भून के रेडी आपको ऐसा कलर में बनाना है इसको थोड़ा ब्राउन ब्राउन भून के अच्छे से भुनना है इसको बेसन हो चुका है रेडी ये भएकोलाई चाहिँ यो अलिक बेसी खरी हाले छ तर अलिक यो भन्दा कम्ती खरदा पनि हुन्छ तपाईहरुले यो निर मैले खनाइ दिए भेलाई हो ये थोड़ा ज्यादा भून गएन इसको थोड़ा सा उ गर्न है अब चाहिँ यहाँ निर चाहिँ म अलिकति मस्टर्ड ऑयल हाल्दै छु हैन दिन थोड़ा थोड़ा सिक रही हूं आसीको हेल्प ले रही हूं अब यो तेल खारेपछि चाहिँ यो पापर बनाम एउटा म फ्राई गर्छु त्यो चाहिँ किन भन्ने मैले चाहिँ अहिले म देखाउँछु तपाईलाई पापर किन फ्राई गरेको इसके बाद एक पापर भी फ्राई करेंगे पापर का भी यूज होगा इसमें देखिए तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें पापर फ्राई करेंगे पापर फ्राई भयो अब यही तेल में अलग जीरा पड़काउँछु जीरा डालेंगे जीरा कटा हुआ प्याज प्याज भजी सको है अब टमाटर भी हाल्नु पर्यो के बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन ये भी डालना पड़ेगा डालेंगे हल्दी हल्दी डालेंगे हल्दी का ना पहना नमक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे रस कति बनाउनु हुन्छ त्यही अनुसार यो प्याज र टमाटर चाहिँ अब राम्रोसँग पाकिसकेको छ हैन त्यहाँनिर चाहिँ अघि मैले भुटेर राखेको यो बेसन हालिदिँदैछु बेसनको एड गरेँ प्याज टमाटर अच्छी तर पाक चुका है होइन बेसनको एड
करें, थोड़ा सा पकाइए। बेसन अलग बेसी भुटी हाल तब ये कम बेसन ज्यादा भुन गया इसीलिए थोड़ा थोड़ा जल गया है। तब इस पानी अब कति हाल है आपने इच्छा हाल रस कति बना हाल अब कितना बनाना चाहते हैं रस बेसी खाँच कि दाली रस बहुत ज़्यादा खाते स्पेशली बड़ा बड़ा तो बहुत ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम ज़्यादा बनाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर मैंने फ्राई कर रखे थे नी पापा इसलिए मैं यहाँ राम सर भुजा रहा वो फ्राई किया हुआ पापड़ ऐसे डालना पड़ेगा। पापड़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। पापड़ नहाल्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले तर पनि यसरी हाल्नु भयो भने चाहिँ टेस्ट राम्रो हुन्छ हो। अझै धनिया पत्ता छ भने चाहिँ धनिया पत्ता हाले नि हुन्छ। मेरो धनिया पत्ता थिएन आजु पापड़ नै डालेंगे भी तो होगा लेकिन पापड़ डालने से और अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा ये सूप का ना। और धनिया पत्ता होगा तो धनिया पत्ता अच्छा। भी डाल सकते हैं। हमारे पास आज धनिया पत्ता नहीं है इसीलिए देखिए ऐसा होगा। अब इसको उमलना पड़ेगा अच्छे से बॉईल करना पड़ेगा फिर उसके बाद ये सूप हो जाएगा रेडी। इसको ढकना पड़ेगा इसको ढक के अच्छे से बॉईल करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम पकाएंगे सब्जी। ये बॉईल हो रहा है देखिए अच्छे से बॉईल करना पड़ेगा ऐसे। ये अब रेडी भयो खाने के लिए रेडी हो गया हमारा बेसन का झोल। बेसन का रस बहुत अच्छा होता है। इट्स रेडी गैस को ऑफ कर दीजिए। हो गया रेडी। मुझे अब यो सब्जी काटना आटेको यो सिबीलाई चाहिँ काट्छु बडी चाहिँ भात बसाउन आटेको भात बसाउनको लागि रेडी। हाम्रो दैविक भाइले चाहिँ यहाँ खाँदैछ। यहाँ चाहिँ मैले जिरा र सेतो तिललाई भुन्दैछु बिन्सको सब्जीको लागि। एकसाथ भुन्न पड़ेगा यसै भुन्न पड़ेगा तिल और जिरा ये बिन्स के सब्जी के लिए। भुनके इसको कुटेंगे पिसेंगे हम सिलौटोमा पिसेंगे। अब हम बनाएंगे बिन्स का सब्जी। यहाँ मैले के लिएको छु बिन्सको सब्जीको लागि कटा हुआ प्याज एक तो टमाटर जिरा र तिल पिसेको ये तो है ना ये तो अभी मूला पिसा है पिसाए जीरा और तिल हर्दी नून त्यति हो। तेल गरम गरम तातिसको गरम भएको तेल हो कि यसमा हाल्छ प्याज डालेंगे हम प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कलर को होना चाहिए। ये प्याज फ्राई हो गया और हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से पकना पड़ेगा अच्छी तरह से पकाना पड़ेगा टमाटर को। टमाटर डालने के बाद ढकेंगे। मूली का अचार भी बनाएंगे आज हम। मूली का अचार तो मुझे बहुत पसंद है इसकी भी रेसिपी दिखाऊंगा आपको। ओके देखिए दैविक मेरा चप्पल पहन के घूम रहा है। उसको मेरा चप्पल बहुत पसंद है। मन पर्यो चप्पल त्यही लगाउने हिँड न अन्त हिँडेर देखाइदेऊ त हिँडेर देखाइदेऊ न त्यो चप्पल लगाएर छिटो देखिए मेरा चप्पलले देखिए भन मे भन चप्पल लगा के चल रहा हूँ। टमाटर रेडी इसके बाद बीन्स डालेंगे चलाएंगे जीरा और तिल ये भी डालेंगे अच्छी तरह से और भी डालेंगे एक लाख इसका चलाना पड़ेगा ना।
डालेंगे नमक चलाएंगे तो ढक देंगे। मूली का अचार भी बनाएंगे आज। धो के ले आए मैंने। इसके काटेंगे सब्जी हेरू एक पल्ट। सब्जी देखे चलाइए पलट पलट के इसका हम खाऊं खाऊं लगता है रे। थोड़ा सा पानी हालना पड़ेगा ना। पानी भी डाल सकते हैं और बिना पानी के भी पका सकते हैं। सब्जी इज रेडी। देखिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये मूली काटने के बाद मस्टर्ड ऑयल और नमक डाल के रखेंगे ना। मस्टर्ड ऑयल का अच्छा फ्लेवर आता है ऐसे चटनी में। इसमें नमक डाल के इसको मिक्स करके ढक के रखेंगे ना। मूली को ऐसे ढक के रखेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, इसीलिए हम इसको ढकेंगे। अब इसमें हम तिल को भूनेंगे। तिल को अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा ये मूली की चटनी के लिए। तिल को भूनेंगे। अब ये हो चुका है। इसमें डालेंगे तिल र लाल मिर्च पिसे थे मैले। सेतो तिल र लाल मिर्च पिसे थे हैन। वेस्ट गर्नु। और ये जो मूली रखा है इसको आप निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने नहीं निचोड़ा है। किसका इसका थोड़ा थोड़ा ग्रेवी ना बड़ी को बहुत पसंद है, इसीलिए बड़ी नहीं निचोड़ते। इसको पानी इसका पानी ऐसे ही रखते है। आपको पानी पसंद नहीं है तो इसको निचोड़ के फेल फेंक सकते हैं। कस्तो दामी कलर देखिए कस्तो भयो मूलाको कलर। ये चटनी मुझे बहुत पसंद है मूली का। कमेंट में भनिदिनुस् है कमेंट में कस्तो भयो मूलाको चटनी हैन। तपाईले कसरी बनाउनुहुन्छ हैन, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। म चाहिँ यसरी बनाउँछु हो। यसै भी अच्छा होता है। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है कि नहीं, पसंद ना आए फिर भी देख लीजिए। कमेंट में तो मकई को उसमें अब ये बेकार को कि देखा भर अब हमें तो राम्रै लाग्छ है। जस्तो जे बनाउँछौं जस्तो तरिकाले बनाउँछौं हामी चाहिँ अब त्यसलाई र भिडियो देखाउँछौं नि त। अब त्यसलाई हामीले एकदम बनाएर तपाईहरुलाई देखाउनको लागि स्टाइल यस्तो गर्दिनँ। घरमा जस्तो खान्छौं त्यस्तै हामी देखाउँछौं तपाईहरुलाई। यस हम लोग जो खाते हम लोग वही बना के दिखाते। तो हाँ गाइस, हम लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग रेसिपी इतना अच्छा अच्छा रेसिपी नहीं डालते होंगे शायद, लेकिन हम लोग जो खाते हैं नॉर्मली घर पे वही बनाते। स्पेशल स्पेशल तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते। फिर भी कितना सारा सब्सक्राइबर बोलते हैं ना कि आप लोग के घर में लोकल खाना क्या खाते हैं, हम लोग वो दिखाइए। क्योंकि दूसरा दूसरा रेसिपी अच्छा अच्छा रेसिपी तो यूट्यूब चैनल में दूसरा यूट्यूब चैनल में कितना सारा मिल जाएगा ना, लेकिन ऐसा वाला रेसिपी आप लोगों को ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग घर पे जो खाते हैं नॉर्मली ऑर्गेनिक वही दिखाते। तो इसीलिए हम दोनों जो खाते वही दिखाते। विलेज लाइफ तो ऐसा ही होता है ना, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा हम लोग नहीं खाते। हम लोग जो खाते ये जैसे गांव में जो होता है वही खाते हैं ना। अच्छे अच्छे बनाने नहीं आता है हमको है ना। जो हमीर जे जाने है हमें घर में जे खाते हम तब सेयर कर। ये देखिए हमारा आज का वेदर। वाह क्या दमी, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम लंच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम खाएंगे। तो आपको हमारा लंच दिखाती हूँ एक मिनट। लंच में है चटनी मूली का, राइस, बीन्स का सब्जी एंड बेसन को झोल। झोल से हम एउटा कुरामा खान्छौँ दुईजना। और बड़ी के प्लेट में देखिए घी तो हमेशा बताइए घी मन पर्छ। राइस ये सब्जी एंड अचार
हाले मैले लग रहा है ना ये सब्जी एकदम डिलीशियस, कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, देखिए वाओ। खाऊ है, स्टार्ट कीजिए तपाईहरु पनि मजा लिनुस्, हामी चाहिँ खाँदै छौं है। ओके, अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरेको कुछ और ट्राई करें ना करें, ये बेसन का झोल जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। इसके साथ खाएंगे तो सब्जी का भी जरूरत नहीं। हम दोनों शिफ्ट लंच कर रहे हैं क्योंकि बड़ा दुकान में है और दादा अपने रूम में बाद में खाएंगे बोला, इसीलिए हम लोग खा रहे हैं अभी। ठीक है गाइस, अभी हम आप लोगों को खाने के बाद मिलते हैं ना। तो गाइस अभी आ गए दर्शन दादा, फाइनली गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम, और बोल रहे कि मुझे मत खींचो, टॉल के रे के दे ना, इधर आइए पिछाड़ी उजालो छ ना, ते भएर हैंडसम दिख रहे नहीं, दिख रहा हूँ यार, मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए। एंड असु ने आज बहुत ही स्पेशल खाना बनाया है, मालिक दिखे तेरा हमने, आइए खाइए और जाइए, ये भी खाइए मूली का अचार, मूली की अचार, ये फ्रेश ऑर्गेनिक मूली। मम्मी हाय हाय, मजा आ रहा है, नदेखाऊ भन्दै थिइनँ, टाउको दुख्छ नि, अब नराम्रो बिसन्चो भइरहेको छु भन् न अन्त, बिसन्चो हो राखाए, कस्तो राम्रो देखिरहेको छ, यो खान्छस् भाइ, टाउको दुख्छ न, नखाओस्, पेट लगाउ भयो छ, सुबेको जल्दी उठ्न पर्यो पेट के लिए, साइक्लिङ गर्न पर्यो अब, मुखले मात्रै हातले पनि, साइकल खरिदने का भूत चराए अभी, एक साइकिल तो खरीदूंगा ही खरीदूंगा भाई, मैं भी सीखूंगी क्योंकि मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता है, मैं सीखूंगा, आप हम दूसरा बात खाएंगे। मैंने एक बार सीखा था ना साइकिल चलाने के लिए, मैं पैडल ही उल्टा चलाया था, साइकिल बैग गया। लो डैडी जी भी अब खाना, आज खाना आइपुग्नु भएछ र डैडी जीलाई मैले यहाँ दिइराखेको छु। के सब्जी बनायो आज मम्मी? आज चाहिँ बीन्स सिमीको सब्जी हो, यो त अब कलरले मिसेको छ, अस्ति मैले भन्दिनँ भनेको थिएँ नि के होला, नेपाली दाल, नेपाली दाल मिठो मन पर्यो मलाई, मिठो भयो मुलाको चट, मिठो मिठो भएको छ है, टेस्टी भएको छ, घाँटी दुख्दैन होला, दुख्दैन, त्यो चाहिँ केही हुँदैन, तिमीले खायौ? खायौँ हामी, अश्विनी अश्विनी खायो, दर्शनले पनि खायो, सबैले खाइसक्यो, अब हजुर मात्रै हो, ओके हजुरले खाइसकेपछि चाहिँ हामी भाँडा बर्तन धुन्छौँ, ल खानुहोस् ल, ओके ल, आजको चाहिँ अब हामी लन्चहरू सबै खाइसक्यौँ र भाँडा बर्तन पनि सबै धोइ पखाली भयो, सफसफाइ पनि गरिसक्यौँ हो, ल आजको भिडियो चाहिँ हामी यतिमा इन गर्छौँ र फेरि हामी नयाँ भिडियो नयाँ नयाँ रेसिपी लिएर तपाईँहरूको सामने फेरि आउँछौँ होइन, नयाँ नयाँ रेसिपी तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ, त्यति बेलासम्म रेसिपी सिम्पल छ, रेसिपी कैसा लगा बोल दिजिएगा, और अच्छा लगा तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, कमेंट कर देना हमारा ये रेसिपी, बीन्स का रेसिपी, मूली का रेसिपी और बेसन का झोल का रेसिपी कैसा लगा कमेंट में बता देना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तब तक के लिए बाय 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 बाय।